ये मुझे लगता है एक जिम्मेदार पद पे रहते हुए भी इतना बड़ा उन्होंने बयान दिया है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये महिलाओं के कहीं पक्ष में दिया होगा। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े पद पे बैठे हुए भी ये इस तरह की गैर जिम्मेदार जो बयान देते हैं वो बहुत बड़ा शर्मनाक और बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए मैं कहूँगी कि अधीर रंजन चौधरी के साथ साथ पूरी कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए जो कि एक महिला विरोधी उन्होंने बयान दिया है, एक दलित विरोधी बयान उन्होंने दिया है, एक माननीय राष्ट्रपति महामहिम जो हमारे देश की सर्वा पद के ऊपर बैठी हैं उनके बारे में इतना बड़ा बयान देना, और ये अपने आप में ही मुझे लगता है बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक जो बयान उन्होंने दिया। बिल्कुल, हम लोग भी यही कहेंगे कि अधीर रंजन चौधरी के साथ साथ यहाँ की कांग्रेस की अध्यक्षा और कांग्रेस के जितने भी नेतृत्व हैं बड़े पद पे बैठे हैं उन सबको माफ़ी मांगनी चाहिए कि इतना बड़ा बयान जो है अधीर रंजन चौधरी ने जिम्मेदार होते हुए गैर जिम्मेदारान जो बयान दिया है उसके लिए पूरी कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये मुझे लगता है एक जिम्मेदार पद पे रहते हुए भी इतना बड़ा उन्होंने बयान दिया है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये महिलाओं के कहीं पक्ष में दिया होगा। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े पद पे बैठे हुए भी ये इस तरह की गैर जिम्मेदार जो बयान देते हैं वो बहुत बड़ा शर्मनाक और बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए मैं कहूँगी कि अधीर रंजन चौधरी के साथ साथ पूरी कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए जो कि एक महिला विरोधी उन्होंने बयान दिया है, एक दलित विरोधी बयान उन्होंने दिया है, एक माननीय राष्ट्रपति महामहिम जो हमारे देश की सर्वा पद के ऊपर बैठी हैं उनके बारे में इतना बड़ा बयान देना, और ये अपने आप में ही मुझे लगता है बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक जो बयान उन्होंने दिया। बिल्कुल, हम लोग भी यही कहेंगे कि अधीर रंजन चौधरी के साथ साथ यहाँ की कांग्रेस की अध्यक्षा और कांग्रेस के जितने भी नेतृत्व हैं बड़े पद पे बैठे हैं उन सबको माफ़ी मांगनी चाहिए कि इतना बड़ा बयान जो है अधीर रंजन चौधरी ने जिम्मेदार होते हुए गैर जिम्मेदारान जो बयान दिया है उसके लिए पूरी कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।